मैथमेटिक्स मेटिक्स क्लास फाइव जी वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर वन का टॉपिक जो है वो मिक्स ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मिक्स ऑपरेशन बड़ी डिटेल से बताया था अब आप मैं आपको बताऊंगी रियल जो है लाइफ प्रॉब्लम्स के ज़रिए से मिक्स ऑपरेशन कैसे करते हैं ठीक है बच्चों जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं ये आपको एग्ज़ैम्पल्स दी गई हैं इन एग्ज़ाम्पल को देखना है कि आपने इसके अंदर एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी है आपने इनको खुद से जज करना है मेंटली के ए, इस क्वेश्चन में कौन सा जो है वो ऑपरेशन होगा जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूँगी मंथली इनकम ऑफ असलम इस रुपीज़ ट्वेल्व थाउजेंड उसकी जो मंथली इनकम है असलम की वो है बारह हज़ार रुपये एंड द इनकम ऑफ इज़ फादर और उसके जो अबू जान है या उसके जो बाबा हैं उसकी जो इनकम है वो इक्कीस हज़ार है फाइंड देयर टोटल इनकम तो आपने इसकी टोटल इनकम मालूम करनी है तो इट्स मीन के आपने इसको दोनों को जमा करना है यानी कि अपनी उसकी असलम की इनकम को और उसके जो अब्बू की इनकम है इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास उसकी टोटल इनकम आ जाएगी ठीक है बच्चों सेम क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जैसे यहाँ पे आप देखें आप शॉपकीपर बॉर्ड जो है वो थ्री ट्वेंटी पेंसिल्स एंड सोल्ड टू फिफ्टी आउट ऑफ देम उसने क्या किया एक शॉपकीपर ने तीन सौ बीस पेंसिलें ली थी उसमें से दो सौ पचास उसने सेल कर दी तो हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट उसके पास कितनी पेंसिल्स रह जाएंगी तो अब आप तो आपको पता है इसको बच्चो कि माइनस करना है आपने मतलब तो सारा जो है इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन आएगा आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है अब मैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ आऊँगी टॉपिक आज का हमारा है बोर्ड मैस रूल बोर्ड मैस रूल बच्चों को बताता है कि हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसको परफॉर्म कैसे करना है बोर्ड में इस रूल्स का मतलब होता है बी जो है वो स्टैंड फॉर द ब्रैकेट्स ओ स्टैंड फॉर द ऑफ डी स्टैंड फॉर द डिवीजन यहाँ पे साइन भी आपको नजर आ रहा है एम स्टैंड फॉर द मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन भी है ए स्टैंड फॉर द एडिशन यहाँ पे एडिशन का साइन है और एस स्टैंड फॉर द सब्ट्रेक्शन यहाँ पर सब्ट्रेक्शन का साइन है ठीक है आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ट्वेल्व इंटू फाइव डिवाइड बाई फाइव प्लस फोर ये मेरे पास एक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है आपने बॉड मैथ रूल को फॉलो करते हुए मेरे पास ये बॉर्ड मैथ रूल्स था ऐसे कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ टू इन मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और एंड पे पेट्रेक्शन सबसे पहले मैंने मैंने सोल्व करनी है इसमें ब्रैकेट अब मैं देखूंगी कि इक्वेशन के अंदर ब्रैकेट आ रही है यस yes, आ रही है अब मैं इसको सोल्व करूंगी ट्वेल्व इन टू फाइव ट्वेल्व को हम हाँ, मैंने फाइव से मल्टीप्लाई किया मेरे पास आंसर आया सिक्सटी ठीक है अब ये ब्रैकेट जो है वो रिमूव हो जाएगी उसके बाद साइन है डिवीजन का डिवीजन लगा दिया फिर फाइव प्लस फोर फाइव प्लस फोर उसके बाद मैं देखूंगी यहाँ पे ऑफ ऑफ मेरे पास नहीं है फिर मैं देखूंगी डिवीजन यहाँ पे पास डिवीजन है तो मैं क्या करूँगी बच्चों सिक्सटी को डिवाइड करूंगी फाइव से सिक्सटी को अंदर रखा फाइव पर डिवाइड किया ऐसे मेरे पास आंसर आ गया ट्वेल्व तो मैं यहाँ पे ट्वेल्व आंसर लिख दूंगी प्लस को प्लस नीचे ऐसे ले आऊंगी और फोर का फोर अब ट्वेल्व प्लस फोर इसके बाद डिवीजन के पास मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो मेरे पास इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं है इसके बाद है एडिशन तो मेरे पास एडिशन है तो मैं ट्वेल्व में प्लस करूँगी फोर तो सिक्सटीन आंसर आ जाएगा ठीक है बच्चों एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी थर्टी डिवाइडेड बाय थ्री इंटू ब्रैकेट में है ऑफ एट प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व ये मेरे पास एक इक्वेशन है सबसे पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करनी है जैसे बोर्ड मैस रूल के मुताबिक ब्रैकेट को सोल्व करने से थर्टी डिवाइडेड बाय थ्री तो टेन आ जाएगा मेरे पास ठीक है उसके बाद ऑफ का ऑफ लिख दूंगी एट प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व सेम एज इज़ नीचे आ जाएगा और ब्रैकेट के बाद मैंने सोल्व करना था ऑफ अब यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है टेन ऑफ एट तो इसका मतलब होगा कि टेन को हमने एट से मल्टीप्लाई करना है इसके बाद हमने ब्रैकेट के बाद हमने ऑफ वाली जो है वो आ, को सॉल्व करना है टेन इंटू एट हमारे पास आ जाएगा एटीन एटीन उसके बाद प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व हमने एज इज उतार देना है ऑफ के बाद मेरे पास है डिवीजन तो मेरे पास इक्वेशन में डिवीजन नहीं है उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है उसके बाद है एडिशन जी मेरे पास एडिशन है यानी कि एटी में प्लस करेंगे सिक्स तो हमारे पास आ जाएगा एटी सिक्स एडिशन के बाद आ जाएगा सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा एटी सिक्स में से माइनस ट्वेल्व किए सेवेंटी फोर आंसर आ जाएगा ठीक है बच्चों यानी कि आपने इस रूल को फॉलो करते हुए बोर्ड मैथ रूल को आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है पहले ब्रैकेट सॉल्व किया ब्रैकेट के बाद ऑफ ऑफ के बाद एडिशन एडिशन के बाद हमने सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया ठीक है बच्चों? सेम क्वेश्चन जो हम वन पॉइंट एट में है आपके पास मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन नंबर सिक्स करवाया है तो ऐसे ही आपने पूरी मशा को सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पर